સભા અત્યારે ચાલી રહી છે. સીધા જઈએ છે ફરી એકવાર મહેસાણા. દેવજી, મોહનસિંહ રાઠવાજી, સિદ્ધાર્થ પટેલજી, અર્જુન મોઢવાડિયાજી, શક્તિસિંહ ગોહિલજી, વર્ષા ગાયકવાડજી, સોનાલબેન પટેલજી, રાયબેન પટેલજી, ગીતાબેન પટેલજી, અલકા ક્ષત્રિયાજી, કોંગ્રેસ કે અમારે સબ કાર્યકર્તા, યુથ કોંગ્રેસ, NSUI, મહિલા કોંગ્રેસ, સેવાદલ કે અમારે સબ લોગ, ભાઈઓ ઓર બહેનો, પ્રેસ કે અમારે મિત્રો, પીછે જો લોગ ખડે હૈ મંદિર કે સામને, આપ સબકા યહાં દિલ સે બહોત બહોત સ્વાગત. ગુજરાત પહેલા પ્રદેશ હૈ જહાં હર સમાજ કે લોગ દુખી હૈ, આંદોલન કર રહે હૈ. મેરે દેશ કે હર પ્રદેશ મેં દોરે લગે હૈ. તકરીબન સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેં ગયા હું. પહેલી બાર મેને દેખા હૈ કે હર સમાજ આંદોલન કર રહા હૈ. પાટીદાર સમાજ, પિછડા સમાજ, દલિત સમાજ, આદિવાસી સમાજ, આશા બહેને, આંગનવાડી કી મહિલાએ, સબ કે સબ આંદોલન કર રહે હૈ. યહાં પાટીદાર સમાજ કે કાફી લોગ હૈ. આપકે ઘરો મેં આકર આપકી પિટાઈ કી ગઈ, આપકે લોગો કો મારા ગયા, આપકો દબાયા ગયા, આપકો કુચલા ગયા. ક્યું? ક્યુંકી આપને સરકાર સે કુછ માંગા. બાતચીત નહીં કરતે હૈ, સુનતે નહીં હૈ. અગર ઉન્હોને નિર્ણય લે લિયા તો સામને જો ભી હૈ ઉસકે ખિલાફ હિંસા કરતે હૈ. ગંદી રાજનીતિ કરતે હૈ. દેખિયે, હાર્દિક પટેલ હૈ, અલ્પેશ હૈ, જિગ્નેશ હૈ, તીનો યુવા હૈ. કોઈ ના કોઈ કારણ તો હોગા, કોઈ ના કોઈ કારણ તો હોગા કે સબ કે સબ સમાજ ગુસ્સા હૈ. યે સોચતે હૈ ગંદી રાજનીતિ કરકે હમ પાટીદાર સમાજ કી આવાજ કો કુચલ દેંગે. હાર્દિક એક ચિહ્ન હૈ, અલ્પેશ એક ચિહ્ન હૈ, જિગ્નેશ એક ચિહ્ન હૈ. હાર્દિક આપકી આવાજ ઉઠા રહા હૈ. વો સિર્ફ એક યુવા નહીં હૈ, ઉસમેં આપકી આવાજ હૈ. આપકી આવાજ કો મિટાયા નહીં જા સકતા હૈ. દેખિયે, આપસે પહેલે સે પહેલે અંગ્રેજો ને આપની આપકી આવાજ કો દબાને કી કોશિશ કી. ગુજરાત કે દો બેટે ખડે હુએ, સિર્ફ દો, ટીમ કી જરૂરત નહીં થી. ગુજરાત કે દો બેટો ને અંગ્રેજો કો બહાર ફેંક દિયા, સરદાર પટેલ જી ઓર મહાત્મા ગાંધી જી. યે ક્યા સમજતે હૈ, દુનિયા કે સુપર પાવર કો આપને ભગા દિયા, ઓર યે સોચતે હૈ કે યે આપકી આવાજ કો દબા દેંગે. ગુજરાત મે
22 साल राज किया, यूपीए की सरकार थी, हिंदुस्तान 10 साल चलाया, 35,000 करोड़ रुपए हमने मनरेगा में डाला पूरे देश में, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली, लाखों परिवारों के हाथ में पैसा आया, उतना ही पैसा बीजेपी की सरकार ने टाटा नैनो फैक्ट्री को गुजरात में दिया, 33,000 करोड़ रुपए उन्होंने टाटा नैनो को दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे जमीन छीनी हूं कंपनी को दी, आपकी बिजली ली टाटा नैनो फैक्ट्री को दी, आपका पानी लिया टाटा नैनो फैक्ट्री को दिया, आपके 33,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में से लेकर टाटा नैनो फैक्ट्री को दिया। हजारों किलोमीटर का मेरा दौरा हो गया है, आप सब गुजरात की सड़कों पर चलते हो, मैंने एक टाटा नैनो सड़क पे नहीं देखी, क्या आपने देखी है? ये किसका पैसा है? ये आपके बच्चों के शिक्षा का पैसा है। आप अपने बच्चों को कॉलेज भेजना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, पांच दस लाख रुपए निकालने पड़ते हैं जेब से, आंदोलन करना पड़ता है, गोली चलती है, लोग मरते हैं, मगर 33,000 करोड़ रुपए देने में कुछ समय नहीं लगता, एक सेकंड में दिया जाता है, और सिर्फ एक कंपनी को नहीं, 10 कंपनियों को इन्होंने पूरा गुजरात पकड़ा दिया है, नाम आप जानते हो। गुजरात में सब लोग आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ ये 10 कंपनी के लोग हैं, मालिक हैं, जो आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बाकी गुजरात आंदोलन कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं सूरत गया, व्यापारियों से मिला, 100-200 व्यापारियों से मेरी बात हुई, सबके सब कहते हैं राहुल जी सुबह सुबह पुलिस वाले आ जाते हैं, हफ्ता मांगते हैं, राहुल जी पता नहीं मोदी जी क्या कह रहे हैं, किस प्रदेश की बात कर रहे हैं, मगर यहां पे तो सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आपके सब बिजनेस बंद कर दिए, पहले नोटबंदी मारी, उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स से आपके पैर पे कुल्हाड़ी मारी, सबके सब बिजनेस बंद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, तूफान में से, आंधी में से, आग में से एक बिजनेस निकलता है जादू का, किसका बिजनेस? अमित शाह के बेटे जय शाह ज्यादा खा गया का बिजनेस। 50,000 रुपए को बैंक में 50,000 रुपए थे, 50,000 रुपए को महीनों में 80 करोड़ रुपए में बदल दिया। गुजरात के किसी भी बिजनेसमैन से पूछ लो, दुनिया के सबसे बेहतर बिजनेसमैन गुजरात से आते हैं, किसी से भी पूछ लो, पूरे गुजरात में ढूंढ के पूछ लो कि 50,000 रुपए को 3 महीने में, 4 महीने में, 80 करोड़ रुपए में ईमानदारी से बदला जा सकता है? पूरा गुजरात चिल्ला के बोलेगा नहीं किया जा सकता है। जय शाह कर सकता है, अमित शाह का पुत्र कर सकता है, और देश के जो चौकीदार हैं जिन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो इसके बारे में एक शब्द नहीं कहना चाहते हैं। मोदी जी गुजरात समझना चाहता है, पूरा देश समझना चाहता है,
आप चौकीदार हैं या भागीदार। दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज कमीशन, रूपानी जी के बारे में कहता है गुजरात का चीफ मिनिस्टर बेईमान है, फाइन लगाता है, एक शब्द नहीं निकलता देश के चौकीदार के मुंह से। पहले कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब कहते हैं ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। और अगर कोई बोलेगा गुजरात में, अगर चू भी करेगा तो मैं उसके घर में जाके उसकी ऐसी पिटाई करूंगा कि वो फिर से ना बोले। मगर वो गुजरात की जनता को नहीं समझते हैं। आप लोग चुप नहीं होने वाले हो, आपको दबाया नहीं जा सकता है, आपको मारा नहीं जा सकता है, आपको पीटा नहीं जा सकता है। आपकी आवाज को चुप नहीं किया जा सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत गुजरात की आवाज को दबा नहीं सकती है, कुचल नहीं सकती है, यह सच है। काफी लोगों ने कहा, कांग्रेस के दो तीन लोगों ने कहा भाषण में कि दिसंबर के बाद बदला लेना है। देखिए, हम बदले वाली पार्टी नहीं है। जरूर गुजरात में हमें बदलाव चाहिए और हम बदलाव लाएंगे, मगर बदला लेना हमारा काम नहीं है, वो बीजेपी आरएसएस लोगों का काम है। और मैंने गहलोत जी से भी कहा और मैं यहां फिर से दोहराना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो हमारे बारे में कुछ भी कहें, हमें गाली दें, उल्टा सीधा बोलें, प्रधानमंत्री पद का हम आदर करेंगे। हम अपनी सच्चाई बोलेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, मगर प्रधानमंत्री पद का हम आदर करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री पद हिंदुस्तान के लोगों ने जिम्मेदारी दी है और उसका हम आदर करते हैं। हम यहां आपको सिर्फ सच्चाई बोल रहे हैं। गुजरात की सच्चाई है कि पिछले 22 साल में 5-10 लोगों का फायदा हुआ है, ना आपको शिक्षा मिली, ना आपको स्वास्थ्य मिला, ना आपको रोजगार मिला। मोदी जी रोजगार की बात करते हैं, चाइना से हमारा मुकाबला है। चाइना 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देता है, सीधी सी बात है। मोदी जी ने मेक इन इंडिया किया, स्टार्टअप इंडिया किया, अलग अलग भाषण दिए। पार्लियामेंट हाउस में हमने उनके मंत्री से पूछा, भैया बताओ चाइना 50,000 युवाओं को रोजगार देता है 24 घंटे में, आप कितने को देते हो? उनके मंत्री का जवाब आता है, मेक इन इंडिया के बाद, स्टार्टअप इंडिया के बाद, जोर से नहीं बोला, चुप्पे से बोला, 24 घंटे में हम 450 लोगों को रोजगार देते हैं, सिर्फ 450। पूरे देश में ये कोना देख लीजिए, पूरे देश में सिर्फ 450 युवाओं को नरेंद्र मोदी जी की सरकार रोजगार देती है। जहां भी देखो मेड इन चाइना, फोन के पीछे देखो मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे देखो मेड इन चाइना, साड़ी मेड इन चाइना, कैमरा मेड इन चाइना, गाड़ी मेड इन चाइना। हम मेड इन चाइना नहीं चाहते हैं, हम मेड इन सूरत चाहते हैं, मेड इन गुजरात चाहते हैं, मेड इन मेहसाना चाहते हैं। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब मेहसाना का युवा अपनी सेल्फी ले, पीछे देखे मेड इन मेहसाना, और उसी समय चाइना में एक युवा आए अपनी सेल्फी ऐसे ले और कहे बहुत बढ़िया फोन है, इसके पीछे देखो क्या लिखा है, मेड इन मेहसाना, मेड इन गुजरात।
ये खोखले शब्दों से ही नहीं होने वाला है, ये झूठे वायदों से नहीं होने वाला है, ये नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स से नहीं होने वाला है, मगर ये काम गुजरात कर सकता है, ये काम हिंदुस्तान कर सकता है। अगर गुजरात की शक्ति का सही प्रयोग किया गया, अगर वो 33,000 करोड़ रुपए मेहसाणा के छोटे बिजनेसमैन को, सूरत के व्यापारियों को, अहमदाबाद के व्यापारियों को, गुजरात के किसानों को दिया जाए, तो ये प्रदेश पहले नंबर पे पहुंच जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। और ये हम चाहते हैं, और ये हम दिसंबर के बाद काम शुरू करेंगे। आपको आदत पड़ गई है, 22 साल से आप चीफ मिनिस्टर की, प्रधानमंत्री की मन की बात सुनते हो, हर 5 दिन मन की बात, मन की बात, मन की बात। ये आदत हम आपकी खत्म करेंगे, हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताएंगे, हम आपके पास आएंगे और आपसे आपकी मन की बात पूछेंगे, और जो आप हमें बताओगे उस पे हम काम करेंगे, और सरकार बनेगी। और ये आप अच्छी तरह सुनिए, सरकार बनेगी तो पूरे गुजरात की सरकार बनेगी, आप सबकी सरकार बनेगी, हर समाज की सरकार बनेगी, और एक साथ मिलकर वो गुजरात को आगे ले जाएगी। आप सब यहां आए, रात का समय है, मेरा प्रोग्राम लेट चल रहा है, आपको यहां ठहरना पड़ा, कष्ट हुआ, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं और आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी। धन्यवाद, जय हिंद। तो गुजरात देश में 24 कलाक में 450 लोगों ने रोजगारी मिले, हमें गुजरात में बदलाव लावीशू, राहुल गांधी बात कही है। साथ ही कहू कि जो कांग्रेस की सरकार आवशे तो ते फोकस राखशे स्थानिक रोजगारी उद्योग धंधा पर। मेड इन मेहसाणा मोबाइल जुए, मेहसाणा में बनवो जुए, अने एनु वेचाण चाइना में पण थवू जुए, राहुल गांधी बात कही है। डिसेम्बर बाद अमे काम शुरू करीशुं, राहुल गांधी बात करी छे, तो राहुल गांधी पाटीदारों गढ़ में, अने हजारों लोग वेलकम करू, पास अने कांग्रेस वेलकम करू छे, अने कहू छे कि महिलाओं ने वधारे में वधारे टिकट आपवामां आवशे, आ उपरांत रोजगारी आपवामां आवशे। दर 5 दिवस मन की बात की आदत खत्म करीशुं, राहुल गांधी बात करी छे, अमे तमारी पासे आवीने तमारी वात जाणीशुं, राहुल गांधी पोतानी सभा में आ वात कही छे। आ उपरांत नोटबंदी जीएसटी एट गब्बर सिंह टैक्स, राहुल गांधी कहू जीएसटी ने, वारंवार भाजपा पर अक्र प्रहार राहुल गांधी कराया।